देश में आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर साहिबगंज के सिदो कान्हू स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड का जायजा लिया और सलामी दी। इस मौके पर मंत्री आलमगीर आलम ने लोगों को संबोधित करते हुए सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, इस आजादी के लिए हमारे हजारों बलिदानियों ने बलिदान दिया। आज हमें अपनी एकता दिखाते हुए देश का विकास करना है। झारखंड सरकार विकास का काम कर रही है। इससे पहले सिदो कान्हू की प्रतिमा पर मंत्री ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर राजमहल विधायक अनंत ओझा, उपायुक्त राम निवास यादव, पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आप और हम जानते हैं कि सन 1947 में 15 अगस्त अंग्रेजों से इस देश को जो हमें आजादी मिली और उसके बाद निरंतर हम लोगों ने इस देश में हर 15 अगस्त को एक पर्व कैसा हम त्यौहार कैसा मनाते आ रहे हैं। हर तबके हर समाज के लोग तिरंगा के झंडे के नीचे आकर भारत माता की जय और जय हिंद के नारा लगाते हैं। यही हमारा यूनिटी, यही हमारा एकता है। दोस्तों, हम कहना चाहते हैं कि आजादी की लड़ाई में एक नहीं हजारों हजार हमारे यहाँ हमारे पूर्वज ने अपने बलिदान, अपने त्याग और कठोर परिश्रम के साथ इस देश पर आजादी का नींव रखने के काम हमें किया, यहाँ के लोगों ने किया। और उसी आजादी को हमें स्वेच्छा रखना है। उस आजादी के तहत, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो संविधान हमें मिला है, उस संविधान के आधार पर हमें इस चल कर इस देश को सुख की और समृद्धि बनाना होगा। यही हमारी सोच और विचार।